अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप सबके साथ शेयर करूंगी पिज्जा की रेसिपी। ये छोटा सा व्लॉग है रेसिपी शेयर करने का, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत टाइम से जिद कर रहे हैं मम्मा पिज्जा बनाओ। तो मैंने सोचा आज बाहर से ना ऑर्डर करके हम घर में बनाते हैं। तो मैंने चल्लू से सारा सामान बाहर से मंगवा लिया था पिज्जा का। तो हम सब लोग जुनैरा और मैं दोनों मिलकर पिज्जा बनाते हैं और आप लोगों को सारी चीजें शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए। तैयार करेंगे बच्चों के लिए पिज्जा। सुनो रेडी है आप खाने के लिए पिज्जा? वैसे आप क्या बना रही हो? पिज्जा। पिज्जा यस, खाएंगी आप? हाँ। अच्छा नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमने चिकन को पहले ही क्यूब्स में काट लिया था, मैरिनेट कर दिया था उसको। ये हमने बाहर से बीज खरीद लिए थे पिज्जा के। अब हम तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज में से निकालते हैं हम ये सब सामान जितना भी है हम तैयार कर लेते हैं ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े। ये है हमारा चीज़, मोज़रेला चीज़ को निकाल लेते हैं। और फिर से हम चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ और निकाल लेते हैं हम अपना पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। उसके बाद ये बेबी कॉर्न जो है मैं इनको बॉईल कर लूँगी और जो जो होता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो फिर बने रहिए हमारे। ऐसे निकाल लिए हैं, थोड़े से और ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। पहले मैं इनको वॉश कर लूँगी थोड़ा सा अच्छे से। इसको धो लिया है, अब हम उसको बॉईल करेंगे अच्छे तरीके से, निकाल लें और उसको बॉईल करेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं। फिर अरे ये क्या कर रही हैं आप बेटा? मैं तो ऊपर पे आ गई हूँ क्योंकि मैं बाहर आ गई। अब हम सब चीज़ों को तैयार करते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ सब चीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपना इसमें हम तैयार करेंगे। हमारा तवा गर्म हो रहा है, अब हम उसको फ्राई करेंगे। हमारे यहाँ पर बेबी कॉर्न बॉईल हो रहे हैं जब तक हम और सब चीज़ों की तैयारी। बेबी कॉर्न बन रही है, हमारा चिकन फ्राई हो रहा है यहाँ पर। और जब तक हम चलते हैं चॉपिंग की तरफ, हम चॉप कर लेते हैं अपनी अनियन एंड कैप्सिकम। इसको चॉप करते हैं फिर आपको दिखा दिया है। इसको अब हम चॉप करेंगे जब तक हम चिकन को भी चेक करते हैं। हमारे बेबी कॉर्न के क्या हाल चाल हैं? ये भी अभी सही से बॉयल नहीं हुए, अभी और होंगे। ये मैं दिखाती रहूँगी आज आप लोगों को सब। चलिए जी फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ पिज़्ज़ा का। हम एक प्याज में से इसके चार पीस कर लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से अलग अलग कर देंगे क्योंकि पिज़्ज़ा में इसी तरीके से पड़ती है ना। वही मेरा फर्स्ट टाइम है आज, मैं पहली बार पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मैं इतना कुछ बनाती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पिज़्ज़ा आज तक बनाया ही नहीं, लेकिन आज फाइनली मैं बना रही हूँ। बस बच्चे खा के बताएं कैसा बनाएं। वैसे मैं होममेड कोशिश करूँगी अगली बार पिज़्ज़ा की सॉस बनाने की। अभी हमारे पास पड़ा हुआ था तो हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं होममेड बनाऊँगी पूरा पिज़्ज़ा, मतलब उसका बेस भी और पिज़्ज़ा सॉस भी, सब चीज़ होममेड बनाऊँ। बैक टू माय चैनल मामा की तरफ से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मामा प्याज काट रही है और मामा क्या आप में से आंसू आ रहे हैं? और ये चिकन फ्राई हो रहा है। ओके तो फिर हम लोग आपसे बाद में मिलेंगे। कैप्सिकम को कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए इसका ये वाइट पार्ट जो है हम इसको निकाल देंगे इस तरीके से और हम इसके छोटे छोटे इस तरीके से क्यूब्स कट कर लेंगे तरीके से। हम इसको कट कर लेंगे अगेन, इसका वाइट वाला जो पार्ट है हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। हम इसको कट कर लेंगे जो वाइट पार्ट है एक्स्ट्रा वो हम इसको निकाल देंगे जी। मैंने सारी चीजें कट कर ली हैं, अब हम चलते हैं उसकी तैयारी की तरफ। तो आप लोग देखिए मैंने सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैं बस इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। और मेरे चिकन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्राई हो गया, मैंने गैस भी बंद कर दी, बस बेबी कॉर्न रह गए। अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा के लिए। इसके ज़्यादा ही बड़े पीस हो गए हैं तो मैं इसको थोड़े और
छोटे करूंगी कैप्सिकम के पीस को। बेबी कॉर्न भी हमारे उबल चुके हैं, अब इसको हम इसमें निकाल के छन्नी में से और उसको एक बार वॉश करके फिर हम रेडी हो गया है हमारा। चिकन भी आ गया हमारा, ये भी आ गया, ये भी आ गया। हम कट कर लेंगे इसको। उसके बाद हमने हम यूज कर रहे हैं अमूल की चीज, मोजरेला चीज। हमने कट कर लिया है, ये इसी तरीके से क्रश्ड आई थी। ये है हमारा पिज्जा बेस। पहले हम लगा लेंगे प्लेट पर अपना बटर जो हमने मेल्ट कर लिया है, पहले ही पूरे प्लेट पर स्प्रेड कर लेंगे हम। पूरी प्लेट पर लगा लेंगे हम बटर, मैंने अच्छे से उसको मैं लगा दूंगी। मैंने लगा दिया है इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से ब्रेड। खोल लिए, मैं इसमें से निकाल लेती हूँ पिज्जा सॉस। और इवनली पूरे ब्रेड पर स्प्रेड कर दूंगी इस तरीके से। बटर नाइफ लिया है मैंने, उससे ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। अब मैं इसको पूरा लगा कर फिर मिलती हूँ आप लोगों से, है ना। हम पहले इसमें थोड़ी सी चीज डालेंगे, चीज हम पहले प्लेट में निकाल लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हम आसानी से उसको डाल सकें। इस तरीके से डाल दिए हम, इसको क्रश कर लेंगे। बस थोड़ा सा डालिएगा बेटा, बस हो गया है, इनफ है। अभी मैं ऊपर से भी डालूंगी। ओके बस, आई होप इंशाल्लाह अच्छा बने मेरा। अब इसमें हम डाल लेते हैं बेबी कॉर्न। इसको बेबी कॉर्न डाल ले। मेरा फर्स्ट टाइम है पिज्जा का, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। वैसे तो माशाल्लाह मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी जब भी कोई भी चीज में फर्स्ट टाइम, नहीं बेटा जब भी मैं फर्स्ट टाइम कोई भी चीज बनाती हूँ मुझे डर लगता है। जब आप किसी को भी खाना भेजते हैं ना, मेरी दोस्त है ना सामने जो रहती है, जब आप उसको खाना भेजते हैं ना, वो तो मुझे वो कहती है क्या तुम्हारी मॉम तो बहुत ही अच्छा, बहुत तेज हो रहा है जी भी आप, वो तो तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू बोलना मेरी साइड से यीशु को। अब हम इसमें डालेंगे चिकन क्यूब्स। मॉम ये रही है, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, एक मैं खा के देख लेती हूँ। माम ने तो बहुत ही टेस्टी बनाया। चलते हैं इसकी तरफ, हम इसको लगाएंगे अच्छे तरीके से। सारे जितने भी तो बहुत अच्छे बनाते हैं, कैप्सिकम्स लगाएंगे हम जितने भी हैं सारे। बाद लगाएंगे हम अनियन के क्यूब्स। माँ पापा भी आपको क्या चिकन तो बहुत ही देर में मम्मा को बोल दो। अब इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा और चीज ऊपर से, ताकि हमारा एक्स्ट्रा चीज बने। मैं डाल दी हूँ चीज़ी बने। बस बनो बस। अब हम इसमें डालेंगे ओरिगानो मिक्सर और चिली डालेंगे। सबसे पहले चिली फ्लेक्स, हम ये मैंने होममेड है, बाहर से नहीं खरीदा, घर का बना हुआ है ये। और ये मैंने, मेरी मामा ने बनाया था। उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर, ये है टॉम टेस्ट ऑफ मा पिज्जा सीजनिंग। इसको आया खोलिएगा बेटा, जरा इसको खोलिएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर ओरिगानो। ओरिगानो
तो ये जी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ लग रहा है, अब ये बन जाएगा तब भी किचन में देखो मैं कितना भी क्लीन कर लूं पूरा मैस फैल चुका है। खैर पहले हम माइक्रोवेव ऑन करते हैं, इस पर से ये सब हटाते हैं। सबसे पहले हम अपना खोलते हैं माइक्रोवेव, उसके बाद हम इसको डालते हैं माइक्रोवेव के अंदर। जाइए जी अब इसको बंद करते हैं, अब हम लगाते हैं इसमें ऑप्शन है ब्रेड एंड स्नैक। 15 मिनट का टाइम दिखा रहा है इसमें, बट मैंने इसमें ये लिखा हुआ है ना ब्रेड स्नैक्स वाली, मतलब टिक्का और सैंडविच वगैरह सब इसी ऑप्शन में बनते हैं। जो 15 मिनट का टाइम दिखा रहा था ये, लेकिन मैं इसको बीच बीच में चेक करती रहूंगी गाइस। पिज्जा अभी रेडी हो रहा है, जब रेडी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन 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 रुके रहिए, जब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से जाएं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब तक मिलते हैं इसको तैयार कर लें, फिर मिलते हैं। जब तक ये जो खिलारा फैला हुआ है मैं इसको तैयारी करते हैं, क्योंकि शल्लू है, मैं हूँ और दो बच्चे हैं माशाल्लाह, तो एक ही जाने हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि हमने दोपहर का लंच नहीं किया है, तो आज हमारा लंच यही है। तो मैं एक और पिज्ज़ा बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं करूँगी डबल डबल। तो फिर अभी रेडी होने में 3 मिनट रह गए, फिर मैं सबको खिलाऊंगी, सबका रिएक्शन लूंगी, स्पेशली शल्लू का, उन्हें कैसा लगता है, क्योंकि उन्हें इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, वो खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए बन रहा है, और एक पिज़्ज़ा हम और बनाएंगे जो कि हमने रेडी कर लिया है, और जुन्नू को तो बहुत लगी है भूख, है ना पिज़्ज़ा की। अच्छी लगी तो फिर सब्सक्राइब करिएगा को भी लग चुकी है भूख, मुझे पिज्जा खाएंगे आप, बोलो जी जी जी। हाँ, ये प्यारे भाई की बात। यस ये खाना हो गया है, हमारा रेडी। अब हम दूसरे वाले पिज्जा को इसके अंदर डालेंगे और लगा देंगे वही से टाइमर लगा देंगे हम। पिज्जा भी बनने लगा है और ये हमारा पिज्जा बनकर रेडी है। अब सब हम सबको सर्व करते हैं और रिएक्शन देखते हैं। टेबल पर कैसा लगा जुन्नू, यम्मी सच में मामी? जुन्नू अनाया आप भी तो खाओ बेटा, बताओ जल्दी से खा के। मामा रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं आपका। यम्मी मूसा भाई तो प्लीज तुम ये तोड़ मत देना, प्लीज छोड़ दो उसको। मामी नो नो, अब शल्लू खा रहे हैं, अब उनका रिएक्शन हम पूछते हैं। मामी जी बेटा यस टेस्टी है मूसा, बोलो यस टेस्टी, बिना खाए मम्मी ये मम्मी जी सॉस टेस्टी। अच्छा वो कह रहे टेस्टी लगे सच में अभी। थैंक यू, चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत वसूल हो चुकी है। बच्चों अच्छा लगा सच, तेज से बताओ यस टेस्टी वाकई में अच्छा है। चलो अच्छा है, आगे देखना जब पता चलेगा अच्छा है। सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ मैं रह गई हूँ पिज्जा खाने के लिए, क्योंकि बन रहा है पिज्जा वो उन लोगों ने खा लिया, फिर मैं भी अपना रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने जो बनाया है पिज्जा वो मुझे कैसा लगा। 1 मिनट का टाइम रह गया है इसका, फिर बताती हूँ मैं भी कैसा बना है पिज्जा। बहुत गर्म है ये तो। यहाँ पर थोड़ा सा ही निकालूंगी, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता मुझे सॉस, और हम इसको कट कर लेंगे दोबारा से इस तरीके से। अब मैं खाती हूँ और बताती हूँ कैसा लगा पिज़्ज़ा। बहुत चीज़ी है। यम बहुत अच्छा बनाया पिज्जा वाकई में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी पिज्जा की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज अगेन
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।